आईपीएल सीजन 17 का आज पहला फाइनलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आज खेला जाएगा क्वालिफायर वन मुकाबला। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच में खेला जाएगा, और केकेआर को तो यकीन मानिए क्वालिफायर वन में हराना नामुमकिन है। इसके अलावा क्या इस मैच में बारिश खल डालेगी, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा है कि बारिश ने रोमांच किरकिरा किया और पॉइंट्स टेबल पूरा बदल गया है। तो जल्दी से आपको एसआरएच के पांच बड़े खिलाड़ी बताते हैं जो इस मैच में उलटफेर कर सकते हैं, केकेआर की ताकत बताते हैं, क्या बारिश आएगी या नहीं वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल क्वालिफायर वन मुकाबला जो है वो खेला जाना है, ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7:30 बजे से होगा। मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू खेलना पड़ेगा, यानी कि एक मौका और मिलेगा। केकेआर दो बार क्वालिफायर वन खेल चुकी है और दोनों बार केकेआर हारी नहीं है और टूर्नामेंट भी जीती है। केकेआर 8वीं बार प्लेऑफ का मैच खेलने वाली है और एसआरएच जो है वो 7वीं बार प्लेऑफ का मुकाबला खेल रही है। तो जब जब क्वालिफायर वन केकेआर ने खेला है तब तब उन्होंने खिताब जीता है, चाहे 2012 हो चाहे 2014 हो। इसके अलावा इस सीजन तो केकेआर का प्रदर्शन शानदार रहा, तो एसआरएच ने भी सभी को अपने प्रदर्शन से चौंकाया। लेकिन जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो केकेआर हमेशा 4 कदम एसआरएच से आगे होती है। दरअसल आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों के कुल 26 मुकाबले हुए हैं। केकेआर ने 17 मुकाबले जीते हैं तो 9 मुकाबले एसआरएच ने जीते हैं, यानी कि हेड टू हेड में तो कहीं भी बराबरी नहीं कर पा रही एसआरएच की टीम। लेकिन इस साल पैट कमिंस की कप्तानी में एसआरएच की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। केकेआर के अगर टॉप खिलाड़ी देखें, देखिए फिल सॉल्ट तो चले गए जो उनके सबसे तगड़े खिलाड़ी माने जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके केकेआर के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, सुनील नरेन जो डबल प्रदर्शन करते हैं बल्ले से भी और गेंद से भी, वरुण चक्रवर्ती पर्पल कैप की लिस्ट में भी बने हुए हैं, एंड्रयू रसेल जिस दिन उनका बल्ला बोलता है मैच पलट देते हैं, रिंकू सिंह अभी तक उन्हें ढंग के मौके नहीं मिले, ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन वो भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी। तो ये 5 खिलाड़ी केकेआर के तैयार है एसआरएच को बैकफुट पर धकेलने के लिए। लेकिन अगर एसआरएच की ताकत की बात की जाए तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार, तो ये 5 नाम ही बहुत है एक मुकाबला आसानी से जीतने के लिए। केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 देखें तो प्लेइंग 11 भी एकदम संतुलित है, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती इस खिलाड़ी को टीम में चुना जा रहा है। सुनील नरेन यहाँ पे ओपन करेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज क्योंकि अभी तक फिलसॉल्ट खेल रहे थे और गुरबाज भी अफगानिस्तान गए थे लेकिन अब वो आ चुके हैं, अंकश रघुवंशी काफी अच्छा आईपीएल गया है, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंध्र एसल, रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षद राणा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वैभव वड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती तो पर्पल कैप के लिस्ट में बने हैं। एसआरएच की बात की जाए तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी जो कमाल की ओपनिंग जोड़ी दिख रही है, राहुल त्रिपाठी, नीतीश कुमार रेड्डी कुछ मुकाबले अच्छे गए हैं, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, विजयकांत विशकांत, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, तो बल्लेबाजी भी एसआरएच की मजबूत है, गेंदबाजी भी मजबूत है, वहीं केकेआर की भी गेंदबाजी मजबूत है तो बल्लेबाजी भी मजबूत है। तो ये मुकाबला कांटे का होने वाला है, ये मुकाबला अभी से ही 50-50 है, क्योंकि कोई भी डंके की चोट पे नहीं कह रहा कि एसआरएच जीत जाएगी या केकेआर जीत जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगर बारिश आती है तो क्या होगा, आपको पहले मौसम बता दें कि अहमदाबाद में मुकाबले के दिन गर्मी रहेगी, 31 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, साथ ही बारिश की कोई संभावना नहीं है और रिजर्व डे की भी बात की जा रही है क्योंकि कुछ मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले क्वालिफायर में कौन जीतता है और आईपीएल सीजन 17 का पहला फाइनलिस्ट कौन होता है। आपको क्या लगता है केकेआर और एसआरएच में से?